सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम भी दोस्तों कभी उनको यूज कर पाए बहुत ही बड़े स्केल में, लेकिन यहाँ पे आगे चल के दोस्तों शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज अभी भी हम इंसानों का जो दिमाग है वो काफी कमाल का है और जो मशीन दोस्तों है वो तो सिर्फ एक मशीन ही है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में कि भाई वो बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं और यहाँ पे क्या एक मेन इशू निकल के आया है सामने के बाद में शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स को प्रॉब्लम हो सकती है सड़कों पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम चलते हैं, पैदल चलाते हैं, साइकिल या कोई कार, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है वो क्या है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे क्या हरकत चल रही है। उसके बाद दोस्तों हम हमारे दिमाग से फैसला बनाते हैं कि भाई हमको कहाँ से कैसे होते हुए अपना रास्ता कंप्लीट करना है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है भाई, उसके पास में ना तो आंखें हैं दोस्तों, ना हमारे तरह सेंसेस हैं, तो यहाँ पर दोस्तों लगे होते हैं सेंसर्स, फिर दोस्तों होते हैं बहुत सारे कैमराज, बहुत सारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो कि बेसिकली कार के चारों तरफ दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाते हैं कार के कंप्यूटर, और उसके बाद में ही फैसला किया जाता है कि कार किस डायरेक्शन में कितना तेजी से आगे बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों जो कंप्यूटर्स हैं वो बड़े ही फास्ट हैं, इंसान का जो दिमाग है उससे तेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उनके पास में, यहाँ पे कोई थकान नहीं होती है। हम हमारी तरह जहाँ पे हमको लगता है कई बार थोड़े से हम थक गए हैं तो कंप्यूटर दोस्तों कभी थकेगा नहीं, और इसके अलावा वो चारों तरफ एकदम अच्छे से देख सकता है, जबकि हम जो है हमारे चारों तरफ को एकदम इजीली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन सेंस है कंप्यूटर के पास दोस्तों, वो कॉमन सेंस अभी मिसिंग है और ये अभी तक भी इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हम ये मान लें कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो हमसे बेहतर ड्राइव कर सकती हैं। हाँ डेफिनेटली कुछ केसेस में हमसे बेहतर ड्राइव कर सकती हैं, काफी केसेस में हमसे ज्यादा अच्छी एंड्योरेंस है उनके पास में जहां पे वो लगातार 10-10 20-20 घंटे दोस्तों चल पाएंगी, लेकिन जहां पे हम बात करते हैं कॉमन सेंस की वहां पे कहने के दोस्तों कमी निकल के आ जाती है। अब यहां पे ऐसा क्यों होता है, और इसके अलावा यहां पे एक और दोस्तों मेजर प्रॉब्लम निकल के आई है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक रिसर्च जहां पर उन्होंने ये बताया है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो क्या करती है, कैमरास की मदद से जो स्ट्रीट साइंस है उनको मॉनिटर करने वाली। एक ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो दोस्तों रोड पे लिखा है स्टॉप या फिर जो लाइट है वो रेड है या ग्रीन है, सिग्नल पे रुकना है, इधर मुड़ना है, यू टर्न अलाउड है कि नहीं है, वो दोस्तों जितने भी साइंस हैं उनको देख के ही अपना फैसला करने वाली है। लेकिन अगर वहां उन साइंस में थोड़ी बहुत छेड़खानी की जाए, तो मतलब अगर स्टॉप का बोर्ड लगा है लेकिन अगर उस बोर्ड के दोस्तों ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत आपने अगर कुछ और लिख दिया, तो ऐसे में कार समझेगी कि भाई इसका मतलब कुछ और है, कंप्यूटर जो है वो ठीक से समझ नहीं पाएगा, तो वो अपना फैसला शायद ठीक तरीके से ना कर पाए। अब हम जो हैं हमारे पास दोस्तों होता यह है कि अगर कोई साइन बोर्ड है मान लो अगर वो आधा अधूरा भी लिखा हुआ है, तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हम उसको जोड़ के अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ इसका असली मतलब क्या होना चाहिए, या फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे साइन बोर्ड की जरूरत है भी क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों जो सेल्फ ड्राइविंग कार का कंप्यूटर है वो ये फैसला नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसे चेंजेस किए जाएं बड़े स्केल पे तो डेफिनेटली दोस्तों एक सिटी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे अगर बहुत सारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं तो वो आपस में टकराएंगी, रुकेंगी, जाम होगा, एक्सीडेंट होगा, हमको नहीं मालूम। तो यहां पे आगे चल के इनके अगेंस्ट हमको उन कार्स को और इंप्रूव करना है जिससे वो अपनी समझ एक डेवलप कर सकें कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, क्या यहां पे इस टाइम पे इस साइन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तो दोस्तों इसके अलावा कुछ कंट्रीज में ये भी प्लानिंग चल रही है कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर एक ऐसे मटेरियल काम में लिया जाए जो हो एंटी स्टिकर, यानी कि उसके ऊपर कोई स्टिकर लगाया जाए तो वो उसके ऊपर चिपके ना, या फिर दोस्तों जो नॉर्मल पब्लिक है बिकॉज यहां पे बहुत सारे प्रैंकस्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनसे बचा के जो साइन बोर्ड्स हैं वो थोड़ी सी ऐसी हाइट पे लगाए जाए जहां पे किसी नॉर्मल इंसान की एक्सेस ना हो, जिसके बाद में हम ये सोचेंगे कि हाँ जो रोड्स हैं उसके ऊपर कंप्लीटली क्लियर इन्फॉर्मेशन मेंशन है और जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो आराम से ड्राइव कर पाएंगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडियन कंडीशंस की, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज जो रोड्स हैं वो परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट जो हाईवेज हैं वो भी इतने परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो कई बार मेंशन नहीं होती है, जो लेन्स हैं वो प्रॉपरली कई बार मार्क नहीं होती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर आज की बात करते हैं इंडिया में तो डेफिनेटली दोस्तों एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन हाँ आगे चल के अगर हम हमारे कंट्री में भी मान लीजिए, मतलब मैं ये बात करता हूँ कि अगर हम कल को कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, अगर कल को कोई नया रोड बन रहा है, अगर कल को दोस्तों किसी कम्युनिटी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर वो डेवलपमेंट फ्यूचर प्रूफ हो तो वो कितनी कमाल की बात होगी कि आगे चल के अगर कभी सेल्फ ड्राइविंग कार आने का सीन बनता है तो एटलीस्ट हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो काफी हद तक तैयार हो जिसके बाद में गाड़ियां चल पाएं। बाकी आप मुझे बताओ कि क्या आप एक इंसान की ड्राइविंग पे भरोसा करोगे या फिर एक सेल्फ ड्राइविंग कार पे, बिकॉज दोस्तों करंटली भी ये चीजें जो हैं ये 100% तरीके से काम नहीं करती हैं, आपको अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखना पड़ता है, आपको अपने हाथ जो है वो स्टीयरिंग व्हील पर रखने पड़ते हैं ताकि आप कंट्रोल ले पाएं अगर कार कहीं पर राइट लेफ्ट चली जाती है, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो एटलीस्ट आपके पास में कंट्रोल हो कि आप अपनी समझ
से जो है वो ड्राइव कर पाएं, बिकॉज अभी भी वो टाइम नहीं आया है कि आप आराम से यूं बैठ के पीछे रिलैक्स कर लो सीट पे और कार अपना चलते रहेगी, बिकॉज अलग अलग कंडीशंस में कई बार दोस्तों रोड पे मान लीजिए बर्फ पड़ी है तो वहां पे जो साइंस हैं वो जो लेन्स हैं वो दिख नहीं रही हैं, कई बार सामने आंधी आ रही है तूफान आ रहा है, तो मतलब इंसान जो है ना वो इतने सालों से चीज़ें सीखता आया है तो उसके पास में काफ़ी अच्छी समझ है। मशीनें तो मशीनें हैं, कुछ चीज़ों में अच्छी भी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस तो उनके पास में फिलहाल तक इतना अच्छा है नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, और क्या आप फ्यूचर में चाहते हैं कि इंडिया में कार्स आएं, और अगर आएं तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों देखना ये होगा कि कैसे हम कार्स को सिखा पाएं साइन बोर्ड्स को परफेक्ट तरीके से रीड करना, बिकॉज वही वो चीज़ें हैं जो उनकी बैकबोन है। अगर साइन बोर्ड नहीं है तो उसको नहीं मालूम कौन सी लेन सीधी जाती है, कौन सी लेन मुड़ती है, कहाँ पर क्या काम करना है। साइन बोर्ड से समझ के स्पीड लिमिट्स को देख के ही कारें चलने वाली हैं, तो अगर उन्हीं में गड़बड़ हो गई तो दोस्तों कैसे काम चलेगा। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।